वेलकम टू जायद एकेडमी। जनरल ग्रुप के मॉडल पेपर के क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं और आज फिर मैं आपके साथ इसका एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। और प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप पे लेफ्ट पे देखिएगा, क्लिक करेंगे लिंक को तो आपको वीडियो आ जाएगी प्रीवियस। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। पहले क्वेश्चन, अ पर्सन सेव 25,000 रुपीज इन अ ईयर, एक साल में एक शख्स जो है 25,000 सेव करता है, सेविंग करता है अपनी। हिज वाइफ हैड ऑर्नामेंट्स, उसके वाइफ की जो जेवरात की माली थी वो 20,000, ठीक है ना, कितनी है 20,000 रुपीज। फिर आगे लिखा है हाउ मच जकात इज ड्यू टू हिम, अब ये कह रहे हैं कि इस पर जकात कितनी ड्यू होगी, कितनी जकात अदा करेगा वो इस अमाउंट पर। सबसे पहला पॉइंट के आपके पास जो टोटल सेविंग है इन एक साल में सेविंग आपने कितनी की है वो है 25,000। इस सवाल के अंदर सोल्यूशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है क्या लिखा है हमने, सेविंग कितनी है 25,000 जो सवाल में दी गई थी। सेकंड में ऑर्नामेंट्स लिखे हुए, ऑर्नामेंट्स ऑफ वाइफ की वैल्यू से 20,000 या आगे 20,000 रुपीज। अब अगला पॉइंट इसके बाद, क्योंकि मेरे पास सेविंग अलग है, ऑर्नामेंट्स ऑफ वाइफ की जो जेवरात है उसकी मालिक अलग है, तो दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, मुझे टोटल अमाउंट पता करना है जो जितने ज़कात ड्यू है हमारे पास। तो टोटल अमाउंट क्या लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑन विच ज़कात इज ड्यू, क्योंकि ज़कात ड्यू जिस अमाउंट पे वो अमाउंट पता करना है मुझे। तो मैंने क्या किया 25,000 पे 20,000 प्लस किया तो क्या आ गया 45,000 रुपीज। अच्छा अब याद रखें कि रेट ऑफ ज़कात फिक्स है, ठीक है ना, रेट ऑफ ज़कात क्या है वो फिक्स है आपका, ठीक है ना, तमाम लोग इस चीज़ को जानते हैं, रेट ऑफ ज़कात हमारा फिक्स है। रेट ऑफ ज़कात कितना है 2 होल 1/2, यानी कि 2.5%, ये हमारा रेट ऑफ ज़कात, ठीक है। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 2 2 4 4 में 1 प्लस किया तो सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा कितना 5/2%, ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ ज़कात, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, हाउ मच ज़कात इज ड्यू, तो ज़कात निकालनी है मुझे, ठीक है, अमाउंट ऑफ ज़कात निकालना है मुझे इसके अंदर, ज़कात कितनी ड्यू है, ज़कात ड्यू, ठीक है, ये निकालना है मुझे ज़कात ड्यू। अब ज़कात ड्यू निकालने के लिए जो रेट ऑफ ज़कात है टोटल अमाउंट से इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका, तो टोटल अमाउंट है मेरे पास 45,000, ठीक है, कितना है 45,000, मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट ऑफ ज़कात से, रेट ऑफ ज़कात है 5/2%, ठीक है। अब सिंपल सी बात है 45,000 एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया आपका 45,000। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 5/2 और परसेंटेज खत्म करूंगा उसकी जगह पे क्या आएगा 100, ये आ गया 100, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, इस चीज़ को देख लें आप, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप 0 से 0, ये 2 0 0 कैंसिल कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं आप। अच्छा अब 45,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास आ गया जनाब 2,25,000, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपके पास 200, ठीक है, 100 को इसको मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा। अब आपने डिवाइड करना है इसको 200 से, तो डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइड करने का जो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,125, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ज़कात ड्यू है इस अमाउंट पे 1,125 रुपीज़, ये ज़कात है ड्यू, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास ज़कात ड्यू का आंसर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सवाल में पूछा जाता था हाउ मच ज़कात इज ड्यू ऑन हिम, यानी कि इस शख्स पर ज़कात कितनी ड्यू है, क्योंकि ज़कात एक साल कम्प्लीट होने के बाद दी जाती है, एक साल कम्प्लीट हुआ है तो दी जाएगी आपकी, तो जब भी इधर जुमला यूज़ किया था इन आई आर। तो देखिए इसके सॉल्व करने की टेक्निक, सॉल्यूशन जब आपने स्टार्ट किया सॉल्यूशन, सबसे पहले जो सेविंग दी गई सेविंग लिखी, ऑर्नामेंट्स की वाइफ के लिखे वो लिखे, दोनों को प्लस किया, प्लस करने का जो अमाउंट आएगा उस पर रेट ऑफ ज़कात अप्लाई होगी, क्या है 2.5%, यानी 2 होल 1/2%, ठीक है, 2.5 भी कह सकते हैं इसको।
तो ले यार इसको मैंने सॉल्व किया आपके सामने, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई हुई 5/2, परसेंटेज परसेंटेज भी 100 होता है, परसेंटेज की सिंपल ख़त्म की मैंने, 45,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 200 को इससे 100 को 2 से किया तो 200 आ गया, इसको डिवाइड किया आंसर आ गया, सॉरी आंसर मैंने गलत लिखा, पूरा नहीं लिखा, 1125 आ रहा था, 1125, ठीक है आंसर आ रहा है 1125, फिर सुन लीजिए 1125 ये आंसर है हमारा जो आंसर आ रहा है रुपीस। तो इस तरह से ये ज़कात का सवाल भी क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो के अंदर टॉप पे लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दोस्त आपके इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।